तो दोस्तों जो लोग बहाना मारते हैं ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अब मुझे लगता है कि वो लोग बहाना नहीं मार सकते। अब यहाँ पर आपके पास टाइम ही टाइम है बहुत सारी चीज़ें करने का और बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करने का। और मैं पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों की तरह ही घर पर बैठा हूँ, तो मुझे भी यार यही लगा कि यार घर पर बैठकर यार आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो, या फिर क्या ऐसे टेक गैजेट्स हैं जो आपको इस तरह की बीमारी से बाहर जाने से बचा पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास और आपके पास ऑलरेडी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको अच्छे से यूज़ करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, और वो है इंटरनेट। और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप गलत तरह से कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो मिस इन्फॉर्मेशन मिलती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत काम की चीज़ है। और जो लोग नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही कमाल का है, क्योंकि मैं जैसा हूँ, मैं बहुत दिनों से यार सोच रहा था कि न्यू सॉफ्टवेयर सीखूँ कुछ, जैसे प्रीमियर प्रो, उस पर एडिटिंग वगैरह का, तो मैं आज के टाइम पर वो सीख रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं और वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, चाहे आप पेंटिंग सीखना चाहते हो, चाहे फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, और ये जो सारी चीज़ें आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। और कुछ साइटें हैं जिनके मैं लिंक नीचे दे दूंगा, इनसे मेरा कोई भी अफिलेशन टाइप का कोई लिंक नहीं है, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उन पर साइन इन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप YouTube पर भी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, पेंटिंग से रिलेटेड हो, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जो इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि अभी बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये एक जो हमारे पास अभी टेक है उसको हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं सेकेंड चीज़ की बात करूँ जो मेरी फेवरेट है और जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद घर से बाहर नहीं निकलता हूँ इतना ज़्यादा, बहुत कम बाहर निकलता हूँ, और मेरे को यार काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, और ये मैं बोल रहा हूँ VR और AR को लेकर। और VR यार मेरे को बहुत ही कमाल की चीज़ लगती है, और VR में जो सबसे कमाल की चीज़ है इस टाइम पर, तो मुझे लगता है बहुत ही यूज़फुल है कि आप एक ही जगह पर बैठे हुए किसी भी जगह पर जा सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आप बाहर जाकर तो आप मूवीज़ वगैरह देख नहीं सकते हैं, तो इस पर जो मूवीज़ का एक्सपीरियंस रहता है यार वो कमाल का रहता है। ऐसे ही लगता है जैसे आप किसी थिएटर के अंदर बैठे हो। और जैसे यार अभी हालात हैं, जैसे इवेंट्स वगैरह नहीं हो रहे हैं या फिर मूवीज़ थिएटर हैं वो बंद हो चुके हैं, तो इस तरह के इवेंट हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो VR है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने रिसेंटली इस पर जो Oculus Go है या फिर Oculus Quest है उस पर एक इवेंट ट्राई किया था, और Oculus का खुद का है Oculus Venue, वहाँ पर आप नॉर्मल जो लॉन्च इवेंट्स रहते हैं चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, और उस इवेंट में आप वर्चुअली एक तरह से जा सकते हो, वो अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे लोग आपको वर्चुअली वहाँ पर बातचीत के लिए भी मिल जाते हैं। और उसके बाद गेम्स वेम्स का भी जो एक्सपीरियंस रहता है वो भी काफ़ी कमाल का रहता है। अभी रिसेंटली मैं ये Oculus Rift S इसको यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो हेडसेट है ये गेमिंग हेडसेट है, अगर आपके पास गेमिंग PC है तो आप इस हेडसेट को यूज़ कर पाएंगे, और आप इसमें रेसिंग गेम्स भी खेल सकते हैं और ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं जैसे आप रियल में जैसे फरारी चला रहे हो, तो कमाल का यार इसका एक्सपीरियंस रहता है VR का। और बहुत सारे लोग अब इसकी जो नीड है अब इस टाइम पर समझने लगे हैं, तो VR जो AR है मुझे लगता है कि एक और जो टेक गैजेट है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। और अगर मैं गेमिंग की बात कर रहा हूँ और VR हेडसेट नहीं है तो डोंट वरी, जो तीसरी चीज़ है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी काफ़ी है हेल्पफुल रहने वाली है, और वो है ऑब्वियसली गेमिंग। तो इस तरह की सिचुएशन जब आप घर पे बैठे हैं तो जो गेम्स हैं वो खासतौर के मल्टीप्लेयर गेम्स वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, दूसरों से जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं और थोड़ा सा इन्जॉय कर पाते हैं जब आप किसी और के साथ खेलते हैं, बात कर पाते हैं, जैसे पबजी जैसी गेम है। बहुत सारे लोग जो पबजी पहले नहीं खेल पाते थे, टाइम वगैरह नहीं होता था, या फिर घर वाले भी उसको बोलते थे कि भाई पबजी इतने ज़्यादा मत खेला करो, तो लेकिन इस टाइम पर मुझे लगता है जब आपके एग्जाम वगैरह खत्म हो चुके हैं और अब घर पे बैठे हो तो पबजी ऐसी गेम है वो काफ़ी सही चीज़ है। और उसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स हैं जिसको आप मल्टीप्लेयर के तौर पर खेल पाएंगे, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर फोर्टनाइट हो, मैं कुछ गेम्स के जो नाम है नीचे रिकमेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अपनी या कुछ आपकी जो फेवरेट गेम्स हैं मल्टीप्लेयर गेम्स वो मुझे नीचे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और शेयर भी करो बाकी लोगों के साथ ताकि वो भी ट्राई कर पाए, नए गेम्स हैं उन्हें ट्राई करो। अब जो चौथी चीज़ है वो यार वैसे नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने रूटीन में रहता ही है, उनके डेली करते भी हैं, और लेकिन उस वो जो चीज़ है वो यार आपको काफ़ी रिलैक्स करने में मदद करता है, काफ़ी आप जैसे अभी बाहर नहीं जा रहे तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने में मदद करेगा। और अगर आप गेस नहीं कर पाए तो मैं बात कर रहा हूँ म्यूज़िक की, और म्यूज़िक यार नॉर्मली एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने में मदद करती है। आप अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर इस टाइम पर जब आपके सारे जो परिवार वाले हैं वो घर पर ही हों और थोड़ा शोर शराबा भी रहता है जब सारे एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, तो उस टाइम पर जैसे म्यूज़िक वगैरह अगर आपको सुनना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक काफ़ी अच्छे नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। और मेरे जो हेडफोन्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, वो कर रहा हूँ बॉस के नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स, और ये जो हेडफोन्स हैं यार काफ़ी कमाल के हैं। आपको यार बाहर की साउंड तो बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम आपको आइसोलेट कर देता है, और थोड़ा सा रिलैक्सिंग अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल अलग सी दुनिया में पहुँच गए हैं। तो
अगर आपके पास अभी इस टाइम पर अगर आपके पास हेडफोन्स, आप ऑर्डर तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो भी हेडफोन्स है, जो भी ईयरफोन्स है, अगर आप उसको अच्छे से यूज करें, थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, तो इस टाइम पर अच्छा म्यूजिक सुनो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप अगर ट्राई कर पाओ तो वो भी बेटर है। थोड़ा अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, टाइम बहुत है, और मुझे लगता है कि म्यूजिक विद अच्छे हेडफोन्स, कोई अच्छे हेडफोन्स आपके पास पड़े हैं तो मुझे लगता है कि ये आप काफ़ी अच्छे से, ये जो टाइम है काफ़ी अच्छे से पास कर पाएंगे। अब जो लास्ट चीज़ है वो भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, और नॉर्मली मैं उसको रात में ट्राई करता हूँ बाकी बहुत सारे लोगों की तरह, और वो है नेटफ्लिक्स एंड चिल। अब इसका वो मतलब नहीं है जो इसका असली में, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो उसका कुछ और मतलब है, लेकिन इस टाइम पर नेटफ्लिक्स एंड चिल बहुत ही ज़रूरी है। आप आराम से बैठो, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम हो या फिर किसी भी तरह का हॉटस्टार वगैरह की आपकी सब्सक्रिप्शन है, आप वो ऑन करें, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवीज या फिर अलग लैंग्वेजेस की मूवीज हैं उनको ट्राई करें। नए सीजन्स यहाँ पर काफ़ी कमाल के हैं, मैं आजकल देख रहा हूँ लॉक्स एंड कीज, तो वो काफ़ी कमाल के हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिन लोगों को जैसे हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ पसंद आती हैं, थोड़े से फैंटेसी या फिर मैजिक टाइप। उसके अलावा विचर एक सीरीज़ है जो आप देख सकते हो, नॉर्मली नेटफ्लिक्स पर है, मैं नॉर्मली नेटफ्लिक्स एंड चिल करता हूँ तो इसलिए नेटफ्लिक्स के ही बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपके कुछ फेवरेट सीरीज़ मूवीज़ वगैरह हो वो नीचे कमेंट करो, दूसरे लोगों से शेयर करो। तो इस टाइम पर जब आप बाहर जाकर मूवीज़ वगैरह नहीं देख सकते हो तो घर पर बैठकर ही आप लेटेस्ट मूवीज़, सीरीज़ या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं आप उसे देख सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं मुझे लगता है कि यार काफ़ी कमाल की हैं। उसके अलावा आप मुझसे शेयर करो कि आप इस टाइम पर घर पर बैठकर क्या ऐसे टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट्स हैं जिसे आप ट्राई कर रहे हो अपना टाइम पास करने के लिए या फिर कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, वो मुझे नीचे ज़रूर बताओ, कमेंट सेक्शन में सबसे शेयर करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद आए, आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, and stay home and stay safe.